अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रानिया। वेलकम करती हूँ आपको इस वीडियो में। नाज़रीन, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जो लोग अपनी फैमिली को दुबई बुलवाना चाहते हैं, तो फ्रीलांस वीजा, फैमिली वीजा, न्यू बॉर्न बेबी वीजा, लो सैलरी और लो प्रोफेशन वालों को ये सर्विस मिलेगी। आपको बताते चाहे कि अब यूएई के ऑल स्टेट के वीजे ओपन हो चुके हैं और अब आप लोग अपनी फैमिलीज को बुलवा सकते हैं। यूएई में लो सैलरी वाले या लो प्रोफेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग अपनी फैमिलीज को बुलवाना चाहते हैं तो राबता कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास घर का एग्रीमेंट नहीं है वो भी राबता कर सकते हैं। कंपनी के पेमेंट वाउचर डिस्काउंट के लिए भी राबता किया जा सकता है, और अगर आप लोगों को कोई भी सर्विस चाहिए तब भी आप लोग राबता कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोगों को पैसे काम होने के बाद देने होंगे। नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग राबता कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी आज की पहली खबर की जानिब। कोरोना की नई किस्म से रिहायशियों को महफूज रखने के लिए दुबई हुकूमत ने 7 ममालिक पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी। तफसीलात के मुताबिक दुबई कोरोना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर CCC की हिदायत के मुताबिक 29 नवंबर 2021 से 7 अफ्रीकी ममालिक से सफर करने वाले और ट्रांजिट प्रवास पर आने वाले मुसाफिरों को दुबई आने की इजाज़त नहीं होगी। बढ़ते हैं अपनी आज की दूसरी खबर की जानिब। शेख खलीफा का यूएई के 50वीं कौमी दिन के मौके पर इंसान दोस्त फैसला, 870 कैदियों को रिहाई का परवाना जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने यूएई के 50वीं कौमी दिन के मौके पर 870 कैदियों को रिहाई का परवाना थमा दिया है। ये इकदाम इमाराती सदर की हमदर्दी के तहत कैदियों को माफी देने और इन्हें एक नई जिंदगी बसर करने का मौका फराहम करने का हिस्सा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की जानिब। यूएई के नए कानून के तहत झूठी खबर के फैलाव में इस्तेमाल होने वाले तमाम आलात जब्त कर लिए जाएंगे, मवाद भी डिलीट कर दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने हफ्ते को ऐलान किया है कि ऑनलाइन हरास की झूठी खबर और गाली देने के हवाले से साइबर कवानीन आइंदा साल 2 जनवरी से लागू हो जाएंगे। ये खित्ते का पहला मुकम्मल कानूनी फ्रेमवर्क है जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज और इनकी एप्लीकेशंस के तहफ्फुज़ात को दूर करेगा। यूएई के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने नए कवानीन की मंजूरी दे दी है। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। यूएई के कौमी दिन की तकरीबात हत्ता भी किसी से पीछे नहीं, झील पर तैरती झील, ड्रोन, आतिशबाजी, ग्रैंड शोज के लिए तैयार हो जाएं। तफसीलात के मुताबिक यूएई की गोल्डन जुबली तकरीबात में हत्ता भी किसी से पीछे नहीं रहा। इंजीनियरिंग का शाहकार दिखाने के लिए हत्ता ने सारी तैयारियां कर ली हैं, जिसके तहत आप न सिर्फ एक झील पर तैरती झील देख सकेंगे बल्कि ड्रोन की मदद से आतिशबाजी को मजीद बुलंदी पर ले जाया जाएगा। बढ़ते हैं अपनी आज की पाँचवी खबर की जानिब। यूएई में गोल्डन जुबली तकरीबात, एक और इमारात ने शहरियों को ट्रैफिक जुर्मानों में 50% रियायत दे दी। तफसीलात के मुताबिक यूएई के कौमी दिन के मौके पर चौथी इमारात ने भी ट्रैफिक जुर्मानों पर 50% रियायत का ऐलान किया है। जुमेरात को फजीरा के हुकाम ने ऐलान किया है कि इमारात के ड्राइवर भी ट्रैफिक जुर्मानों पर 50% रियायत स्कीम से फायदा उठा सकेंगे। चलते हैं अगली दिलचस्प खबर की जानिब। इमाराती शहरी सर्दी के मौसम में बारिशों के लिए तैयार हो जाएं, महकमा मौसमियात ने पेशेंगोई कर दी। तफसीलात के मुताबिक नेशनल सेंटर ऑफ मीट्रोलॉजी NCM का कहना है कि यूएई को आइंदा दिनों में मशरिक की जानिब से कम हवा के दबाव और नमी का सामना रहेगा, जबकि नॉर्थ की जानिब से कम हवा के दबाव के साथ ठंडी हवाएं चलेंगी। NCM की जानिब से जारी करदा ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके साथ मशरकी इलाकों में पहाड़ अहम किरदार अदा करेंगे। मशरकी और शुमाली इलाकों में बादल बनेंगे जो ज्यादातर समंदरों और साहिली इलाके साथ में देखे जा सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अबू धाबी के वली अहद का मिस्र के सदर और इराकी वजीर आजम से टेलीफोनिक राबता। तफसीलात के मुताबिक मिस्र के सदर अब्दुल फताह और इराक के वजीर आजम मुस्तफा अल काजमी से फोन कॉल्स में वली अहद ने दो तरफा ताल्लुकात, तावुन और मिलकर काम करने समेत मुख्तलिफ अमूर पर बात की। इमारात की सरकारी न्यूज एजेंसी वॉम के मुताबिक रहनुमाओं ने गुफ्तगू में मुतअद्दिद इलाकाई और आलमी मामलात में पेशरफ्त पर ख्यालात का तबादला किया और अरब खित्ते में तरक्की, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने समेत दीगर कई अमूर पर मिलकर मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक किया गया। चलते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब इमारात की वो 5 ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ जिन पर सख्त जुर्माने और सजाएं दी जाएंगी। मुत्तहिदा अरब इमारात में ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाता है और इन्हें भारी जुर्माने और दीगर सजाएं दी जाती हैं। इसके अलावा बास खिलाफ वर्जियों पर गाड़ी भी जब्त कर ली जाती है। यहाँ कुछ ऐसी खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया जा रहा है जिनके करने पर आप मुसीबत में फंस सकते हैं। बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 500 दिरहम का जुर्माना, 4 ब्लैक पॉइंट्स की सजा के अलावा 7 रोज के लिए गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। गाड़ियों से कचरा, कागज, छिलके वगैरह बाहर फेंकने पर 1000 दिरहम का जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस पर 6 ब्लैक पॉइंट्स का इंदराज कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब।
शेख हमदान ने दुबई रन पर मासूर शख्स की व्हीलचेयर चलाकर सबके दिल जीत लिए। टीम एंजल वुल्फ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें दुबई के वली अहद को व्हीलचेयर चलाते देखा जा सकता है। तफसीलात के मुताबिक दुबई रन ने दुनिया की सबसे बड़ी मैराथन बनके नई तारीख रकम कर दी है और ये खास तौर पर एक फैमिली के लिए यादगार बन गई है जिनके एक फैमिली मेंबर की व्हीलचेयर को दुबई के वली अहद शेख हमदान ने चलाया और इस शख्स का नाम रियो है जो कि मासूर है। पढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। यूएई के कौमी दिन के मौके पर ग्लोबल विलेज में आप 3 दिन तक म्यूजिकल आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे देख सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक यूएई के 50वीं कौमी दिन की तकरीबात 1 माह पहले से शुरू हैं। अब इसमें ग्लोबल विलेज भी अपना हिस्सा डालने जा रहा है जहां तकरीबात यकम से 4 दिसंबर तक अपने उरूज पर होंगी। यूएई और खित्ते की सबसे बड़ी मल्टीकल्चरल फैमिली ने 1 माह तवील सरगर्मियों का आगाज कर रखा है जिसमें जबरदस्त सरगर्मियां और इंटरटेनमेंट पेश की जा रही है। तो कौमी दिन के मौके पर वीकेंड बहुत ज्यादा बेहतरीन होने जा रहा है क्योंकि सैयाह बहुत ही गैर मामूली म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस, सरगर्मियों और दिलचस्प मुकाबलों से लुत्फानंदोज होंगे। चलते हैं अपनी आज की आखिरी खबर की जानिब। मुतहदा अरब इमारात में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल, 24 घंटे के दौरान 60 नए केसेस रिपोर्ट, एक हलाकत रिकॉर्ड की गई। तफसीलात के मुताबिक इमारात की वजारत सेहत और प्रिवेंशन की जानिब से इतवार को जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुमलिकत में कोरोना के सिर्फ 60 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस अरसे के दौरान सेहत याब होने वाले अफराद की तादाद 79 रही है जबकि एक हलाकत भी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुमलिकत में 2,84,985 PCR टेस्ट किए गए हैं जिसके नतीजे में नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुमलिकत में अब तक किए जाने वाले कोरोना PCR टेस्ट की तादाद 100.5 मिलियन से तजावज कर चुकी है। जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक 28 नवंबर तक मुमलिकत में रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसेस की मजमुई तादाद 7,41,918 तक पहुँच चुकी है जबकि सेहतयाब अफराद की कुल तादाद 7,36,778 है। कोरोना से मजमुई हलाकतों की कुल तादाद 2,146 है जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 2,995 है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।